तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द वुमन। और ये त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि पति की लंबी आयु के लिए, और ये कोरोना के टाइम पर जो ये त्यौहार है वो लेडीज ने बहुत मुश्किल से सेलिब्रेट किया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस हम लोगों को मेंटेन रखना है, तब भी हम लोगों को गैदरिंग रखनी पड़ी, क्योंकि ये हम बहुत चाव मैथब से मनाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हर एक वुमन्स की लाइफ पर। और हम लोग बड़े खुशी से हर ईयर इसका वेट करते हैं ताकि हम लोग खुशी से त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। और हम ये चाहते हैं कि हर पति की उम्र, हर औरत की पति की उम्र लंबी रहे, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये हम लोगों के लिए एक फेस्टिवल ही नहीं है, इट इज जस्ट इज अ सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ एवरी वुमन। और हम लोग चाहते हैं कि हर किसी की लाइफ में ये अच्छे तरह सेलिब्रेट हो। थैंक यू सो मच, और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, और इसमें सुबह सास सरगी देती है और बहू को 4 बजे तक सरगी वो खानी होती है। उसके बाद पूरा दिन उन्हें ना ही जल ग्रहण करना होता है और ना ही कुछ खाना होता है। तो ये इसका मेन जो है पति की लंबी आयु, पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। और इसे हिंदू त्योहार में ये बड़ा ही, इसे लोग बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रसिद्ध, मतलब ये त्योहार है हमारे हिंदुओं का, और बड़े चाव से स्त्रियां जो है तैयार होकर अच्छे से, और आजकल तो आपको पता ही है मॉडर्न जमाना, तो इसको बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। कोरोना में भी इसका बड़ा ख्याल रखा गया और तब भी हमने इस व्रत को बहुत अच्छे से मनाया है। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी करवा चौथ। ये त्योहार आज इतने चाव से मना रहे हैं कोई कहने की बात नहीं है। करवा चौथ पे सभी लेडीज ने सोशल डिस्टेंस का किया है और हमने सैनिटाइज किया है अपने हाथ को, क्योंकि कोरोना की वजह से सैनिटाइज किया है सारों को, और ये कोरोना की वजह से हमने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग किया है। और करवा चौथ के लिए हमने ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए हम ये करवा चौथ मनाते हैं कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो उनकी आयु लंबी हो। हर सुहागन को यही होता है कि मेरे हस्बैंड जो है उनकी लंबी आयु। तो मेरे ख्याल में सभी को हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ ये अपने पति की दीर्घ आयु के लिए सभी स्त्रियां रखती हैं। ये पुराने प्राचीन काल से ही ये प्रथा चलती चली आ रही है, और इसी को पालन करते हुए आज की जो न्यू जनरेशन है वो भी ये सब कर रही है। हैप्पी करवा चौथ, ये मेरा पहला करवा चौथ है, और ये करवा चौथ का ये महत्व है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए, और क्या नाम कहते हैं कि धन प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। और ये कुंवारी लड़कियां हैं ये व्रत गणेश भगवान जी के लिए रखती हैं। हैप्पी थैंक यू। हैप्पी करवा चौथ, ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए रखा है। तो सुबह सुबह सबसे पहले तो सरगी खाई, उसके बाद दिन से कुछ नहीं खाया पिया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी हमने सब कुछ किया, तो बस थैंक यू।